मैं प्रिया आपके साथ। ओडिशा के डेंकनाल स्थित टाटा स्टील प्लांट में मंगलवार को स्टीम पाइप फटने से 18 लोग झुलस गए थे। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां दो की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। टाटा स्टील ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, स्टीम रिसाव में घायल 18 लोगों में से दो ICU में एडमिट है। टाटा स्टील की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है, बाकी लोगों की स्थिति ठीक है। यह हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे हुआ। प्लांट में रखरखाव का काम चल रहा था। स्टीम पाइप में एक वाल्व लगाया गया था, अचानक वाल्व खुल गया और गर्म भाप निकली। हादसे में 18 मजदूर घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद टाटा स्टील ने एक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया, डेंकनाल में टाटा स्टील मेरा मंडली वर्कर्स में भाप के निकलने के कारण BFPP2 पावर प्लांट में दुर्घटना की खबर है। इससे कुछ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इस घटना से प्रभावित कर्मचारियों के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी मदद की जा सके। कर्मचारियों की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। हम ग्राउंड से जुड़े अधिकारियों के साथ मिलकर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा स्टील का मेरा मंडली प्लांट भारत में सबसे बड़े फ्लैट स्टील प्रोडक्शन प्लांट में से एक है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।